Hello everyone welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video so आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशंस तो यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में ये ये जो आज का वीडियो है ये सभी लोगों को हेल्प होगा बीकॉम एमकॉम एम कॉम बैफ बी जितने भी लोगों को टैक्सेशन का सब्जेक्ट है वैसे तो क्वेश्चन इधर से उधर घूमते हैं नंबर चेंज होते हैं तो हम कंसेप्चुअल बेस पे सारे डिस्कशंस कर रहे हैं इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी वीडियो देखे उसमें भी हमने एक सिंपल टेन मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में कैसे आया था वो डिस्कस करें वो डिस्कस हमने ऑलरेडी कर लिया और इसके आगे का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सो क्वेश्चन नंबर टू हम सॉल्व कर रहे हैं एंड क्वेश्चन नंबर टू कहता है मिस्टर खुशाल वर्क्स विद पूजा ट्रेडर्स कैलकुलेट द टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 एंड ये जो पेपर में क्वेश्चन आया था दैट वाज अप्रैल 2023 जो एटी के का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था एंड रिमेंबर नाउ दिस क्वेश्चन विल कैरी ट्वेंटी मार्क्स हो थोड़ा से ज्यादा पॉइंट्स होंगे देखो ज्यादा पॉइंट्स हो कम पॉइंट्स हो कंसेप्ट बेस पे सेम रहता है पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे दी है सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक सैलरी फिफ्टी थाउजेंड है डियरनेस अलाउंस पंद्रह हज़ार पर मंथ है एरियर्स ऑफ सैलरी नॉट टैक्स अर्लियर थर्टी थाउजेंड है बोनस रिसीव्ड है फोर्टी थाउजेंड कन्वेंस में दो अमाउंट्स है ट्वेंटी टू थाउजेंड बाहर दिया है और ब्रैकेट में बोला है अमाउंट स्पेंट फिफ्टीन थाउजेंड एच दैट इज हाउस रेंट अलाउंस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड दिया है और एग्जम्ड बोला है सेक्शन टेन थर्टीन ए में फिफ्टी थाउजेंड एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है थाउजेंड पर मंथ परक्विजिट वैल्यू ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी दिया है ग्यारह हज़ार पर एनएम और प्रोफेशन टैक्स दिया है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर एनएम अभी देखो बेसिक चीज़ क्या है जब भी आप सैलरी का क्वेश्चन करोगे तब तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है प्राइवेट एम्प्लॉई है यहाँ पे अगर हम नाम देखें तो नाम है पूजा ट्रेडर्स तो पूजा ट्रेडर्स कौन है पूजा ट्रेडर्स गवर्नमेंट तो नहीं है पूजा ट्रेडर्स प्राइवेट है तो अगर प्राइवेट रहेगा तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन आता है सेक्शन सिक्सटीन में वो नहीं मिलेगा बाकी सारी चीज़ें हमको सेम सेम लिखनी है दूसरा चीज हमको क्वेश्चन में देखना है कि पर मंथ कहां पे दिया है और पर एनम कहां पे दिया है तो पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का और पर मंथ का मतलब होता है हर मंथ का तो जहाँ पे भी पर मंथ दिया होगा हमको मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व करना है ये ये बेस ये याद रखना है आपको तो वेनएवर वी आर सीइंग क्वेश्चन हमको ये सारी चीज़ें नोटिस करनी है प्रॉपरली पहले उसके बाद ही सॉल्व करने लग जाना है और काफ़ी सिंपल है आपको मैं जितना भी कुछ रिवाइज़ करवा रहा हूँ सारी चीज़ें आप रिवाइज करें आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे अपने आने वाले पेपर में ठीक है और ये अदर इन्फॉर्मेशन है तो अदर इन्फॉर्मेशन जब भी आपको सैलरी के साथ मिलेगा

और यही पॉइंट ना आपके सेक्शन में भी आता है ये ये सेक्शन है ना इसका एटी डबल टी ए है क्या है सेक्शन एटी डबल टी ए और इसका लिमिट आपको याद रखना है बिकॉज ये क्या करते हैं एग्जाम में जानबूझ के ज़्यादा अमाउंट दे देते हैं ताकि सब स्टूडेंट्स रॉन्ग हो जाए इसका लिमिट आपको याद रखना है दस हज़ार ठीक है वो आपको मैं आगे बताता हूँ कैसे लिखना है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रॉयल्टी नेक्स्ट इज डायरेक्टर सिटिंग फीस नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिस्यूड ऑन पी पी एफ ये भी पॉइंट याद रखना है बिकॉज ये पॉइंट नॉन टैक्सेबल है ये एक्जेम्ट होता है और लास्ट में बोला ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था अगर आपको याद है तो मुझे सेक्शन कमेंट में लिख के बताइए या वीडियो को पॉज करके सेक्शन गेस करें और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे ठीक है ए के सेक्शन में सब कुछ आता है तो यहाँ पर मेडिक्लेम एक सेक्शन दिया है और ऊपर ए टी 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 ए एक नया सेक्शन आया है तो सॉल्व कैसे करना है चलो सॉल्व करते हैं डायरेक्टली ठीक है सबसे पहले हमको क्या लिखना है सबसे पहले हमको लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारा सबसे पहला है बेसिक सैलरी तो आपको बेसिक सैलरी पर मंथ दिया था तो देखो मैंने क्या कर दिया है 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया है हमारा वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो और टाइम हमारा बचे ताकि आपको मेन मुद्दे की बात समझ में आए कंसेप्ट समझ में आए फिर तो आप क्वेश्चन कितने भी कर सकते हो तो 50,000 को हम अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमको आंसर मिलता है 6 लाख दैट इज योर आंसर उसके बाद हमारा डियरनेस अलाउंस है तो डियरनेस अलाउंस कितना है हमारा पंद्रह हज़ार मल्टीप्लेड बा ट्वेल्व तो आपका आंसर आया इधर एक लाख अस्सी हजार नेक्स्ट इज एरियर्स ऑफ सैलरी वो भी मैंने डायरेक्टली लिख दिया है मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है बिकॉज यहाँ पे आपका पर एनम है बोनस अभी बोनस में आपको एक चीज याद रखना है एग्जामिनर क्या करता है पता है कभी कभी आपको बोनस रिसीव्ड वर्ड देता है कभी कभी आपको बोनस डिक्लेयर्ड वर्ड देता है तो ध्यान रखना लिख के रखना आपके पास कहीं पे भी अगर बोनस डिक्लेयर्ड वर्ड आता है कहीं पे भी बोनस डिक्लेयर्ड वर्ड आता है तो हम अमाउंट को नहीं लिखेंगे बोनस डिक्लेयर्ड क्यों नहीं लिखते बिकॉज अब तक हमें पैसे मिले ही नहीं है अगर अब तक हमें पैसे मिले नहीं है तो हम बोनस को कैसे लिखेंगे दैट इज़ वाई वेन एवर बोनस रिसीव्ड वर्ड आएगा तब हम लिखेंगे बोनस डिक्लेयर्ड वर्ड आएगा तब हम नहीं लिखेंगे देखो कन्वेंस रिसीव्ड आपको मिला ट्वेंटी टू थाउजेंड और उन्होंने बोला था ब्रैकेट में एक बार दिखा देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे देखो कन्वेंस कितना दिया है ट्वेंटी टू थाउजेंड और आपको बोला है अमाउंट स्पेंट पंद्रह हज़ार आपको करना क्या है ट्वेंटी टू थाउजेंड में से पंद्रह हज़ार को माइनस कर देना है सीधा आंसर आ जाएगा तो ट्वेंटी टू थाउजेंड में से पंद्रह हज़ार को अगर हम माइनस करते हैं तो हमको आंसर मिलता है सेवन थाउजेंड जो मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिख दिया है एच आर ए दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस एक लाख बीस हजार आपको क्वेश्चन में दिया था और ब्रैकेट में बोला एग्जेमट है पचास हज़ार तो एक लाख बीस हज़ार में से पचास हज़ार हम अगर माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा सेवेंटी थाउजेंड जो मैंने सेकेंड में लिखा है यही आपको करना है नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको दिया है बारह हज़ार तो बारह हज़ार मैंने यहाँ पर लिख दिया है ठीक है फिर परक्विजिट वैल्यू ऑफ गैस वो आपको दिया है ग्यारह हज़ार तो ग्यारह हज़ार मैंने लिख लिया है प्रोफेशन टैक्स हमको ऊपर नहीं लिखना है प्रोफेशन टैक्स हम डिडक्शन्स में लिखते हैं अब हमें करना क्या है बहुत सिंपल रूल ये छः लाख से लेके जितने भी पॉइंट्स है इन सारे पॉइंट्स को हमको क्या करना है इन सारे पॉइंट्स को हमको यहाँ तक ग्यारह हज़ार तक इन सारे पॉइंट्स को हमको क्या करना है प्लस करना है तो सिक्स लैख ,00 से लेके जब आप ग्यारह हज़ार ,00 तक सब पॉइंट्स को ऐड कर लेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा नाइन लाख ,00 फिफ्टी थाउजेंड और यह नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड जो आपको आंसर मिला है दिस इज योर ग्रॉस सैलरी तो ये है हमारा ग्रॉस सैलरी ग्रॉस सैलरी मिल गया हमको नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड फिर आगे है हमारा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन उसमें हमने तीन पॉइंट्स पढ़े थे नंबर वन होता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन वो कितना लिखने को मैंने आपको बताया था फिफ्टी थाउजेंड सीधा कॉपी करना है एंटरटेनमेंट अलाउंस हम यहाँ पे भी डैश देंगे क्यों डैश देंगे बिकॉज ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो यहाँ पे अमाउंट आता वो कैलकुलेशन हम सीखेंगे जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट हमारा है प्रोफेशन टैक्स और वो भी आपके क्वेश्चन में दिया था टू अब तो आपको नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड में से फिफ्टी थाउजेंड माइनस करना है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड भी माइनस करना है तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे और वो हमें मिल रहा है एट लाख नाइन्टी और ये हमारा सैलरी का आंसर आ चुका है इनकम फ्रॉम सैलरी अगर आप पिछला क्वेश्चन देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट्स थोड़े ज्यादा है फॉर्मेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है फॉर्मेट एकदम सेम है तो नाइन नाइन लाख फिफ्टी में से जब हमने डिडक्शंस को माइनस कर दिया तब हमें आंसर मिल गया एट लाख नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो दैट इज़ योर सैलरी अभी ऐसे ही हमको अदर सोर्स करना है तो अदर सोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है देखो फिर मैंने क्या लिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये हमारा हेडिंग था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इसके अंदर पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट्स बारह हज़ार टैक्सेबल इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनी दस हज़ार टैक्सेबल उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट पंद्रह हज़ार टैक्सेबल ये टैक्सेबल लेना है लेकिन नीचे जब डिडक्शन लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसमें लिमिट हम हमारी थी दस हज़ार की रॉयल्टी रिसीव्ड बीस हज़ार डायरेक्टर सिटिंग फीस पच्चीस हज़ार और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ ये इसको आप लिख के रखो अपने पास इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ दैट इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये टैक्सेबल नहीं होता है ये नॉन टैक्सेबल है तो अठारह हज़ार में से जब हमने अठारह हज़ार को माइनस किया तो ये आंसर आया नील अभी आपको क्या करना है ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ऊपर इन सभी को ऐड करना है जैसे हमने सैलरी में प्लस किया वैसे ही हमको अदर सोर्सेज में भी प्लस करना है तो ट्वेल्व थाउजेंड से लेकर कर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक जब आप सबको ऐड करेंगे तब आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका अदर सोर्सेज का फाइनल आंसर होगा वो हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे एंड दैट इज़ योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ चुका है एट्टी टू थाउजेंड तो अभी हमने क्या सीखा था लास्ट क्वेश्चन में कि सैलरी का जो भी आंसर आएगा वो आंसर प्लस अदर सोर्सेस का जो आंसर आएगा वो आंसर हमको ऐड करना है तो हमको यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम सैलरी का आंसर कितना मिला था एट लाख नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो एट लाख नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में जब हम ये एटी टू थाउजेंड को प्लस करेंगे तब हमको जो आंसर मिलेगा वो हमारे फाइनल कॉलम में होगा एंड दैट इज़ योर ग्रॉस टोटल इनकम जिसको हम शॉर्ट में जी टी आई कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम नाइन लाख सेवेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हमको मिल चुका है ओ, कैसे मिला सैलरी में मैंने अदर सोर्सेस को ऐड कर दिया अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसमें आपकी मिस्टेक हो सकती है लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर सिक्स से तो एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाता हूँ और क्वेश्चन में आपको आइडिया आ जाएगा देखो लास्ट लाइन में बोला था ही पेड ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक और अमाउंट दिया है यहाँ पे बाईस हजार पाँच सौ तो आपकी नॉर्मल के लिए लिमिट पच्चीस हजार है पच्चीस हजार से ज़्यादा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे बाईस पाँच सौ पच्चीस हजार से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेक्शन कौन सा लिखेंगे हम लोग सेक्शन लिखेंगे एटी डी जो हमने पिछले क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था तब उसमें भी ये पॉइंट आया था मेडिक्लेम तो मेडिक्लेम का अमाउंट लिख दिया यहाँ पे ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड अब ये तो लिख दिया अब ये नीचे जो सेक्शन आया है मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया देखो ये सेक्शन कौन सा है ये यहाँ से लाए इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक मैंने इसके लिए आपको लिमिट याद रखने को कहा था लिमिट कितनी है पता है इसकी लिमिट है टेन थाउजेंड मतलब गवर्नमेंट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक ये सेक्शन कौन सा कवर होगा एटी डबल टी ए और ए डबल टी ए में हम लोग मैक्सिमम दस हजार तक डिडक्शन देंगे दस हजार से ज्यादा का डिडक्शन हम नहीं देंगे तो इसके लिए देखो क्वेश्चन में तो पंद्रह हजार है यहाँ पे चेक कर लो आप पंद्रह हजार है तो हमने तो सीधा नीचे पंद्रह हज़ार लिखना चाहिए था बट हम पंद्रह हजार नहीं लिखेंगे हम पंद्रह हजार को दस हजार से कंपेयर करेंगे तो पंद्रह हज़ार और दस हज़ार को कंपेयर करने के बाद आपको सिंपल रूल याद रखना है विचेवर इज लेस दोनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है दस हज़ार इसलिए आप यहाँ पे चेक करो कि मैंने एटी डबल टी ए में दस हज़ार लिखा है नाइन्टी नाइन परसेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे रॉन्ग होंगे जिनको लिमिट ही पता नहीं है वो एटी डबल टी ए लिखेंगे और पंद्रह हज़ार कॉपी कर लेंगे लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि एटी डबल टी ए में हम पंद्रह हजार का डिडक्शन नहीं दे पाएंगे हम आपको मैक्सिमम डिडक्शन दे पाएंगे ओनली टेन थाउजेंड का दैट इज द रीजन यहाँ पे टेन थाउजेंड है अब आपको क्या करना है सिंपल रूल ग्रॉस टोटल इनकम जो भी मिला है नाइन लैख सेवेंटी नाइन फाइव हंड्रेड उसमें से ये दोनों चीजें आपको माइनस करनी है एंड फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा नाइन फोर्टी सेवन थाउजेंड ये आपका फाइनल टोटल है एंड दिस फाइनल टोटल इज कॉल्ड एज नेट टैक्सेबल इनकम जिसको हम शॉर्ट में एन कहते हैं नेट टैक्सेबल इनकम शॉर्ट में क्या कहते हैं एन तो एन हमारा हो गया नेट टैक्सेबल इनकम अब ये जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने सॉल्व करवाया है देखो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स के लिए आया था पिछला जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वो कितने मार्क्स के लिए पूछा था टेन मार्क्स के लिए देखो टेन मार्क्स के लिए रहेगा तो एग्जामिनर पॉइंट्स को कम कर देगा ट्वेंटी मार्क्स के लिए रहेगा तो एग्जामिनर सैलरी uh, और अदर सोर्सेज के पॉइंट्स को बढ़ा देगा और आपने दोनों में अगर चेक किया एक चीज़ तो डिडक्शन्स एग्जामिनर दो पूछ रहा है तो दो डिडक्शन्स आपको कोई भी आएंगे तो अगर आप अभी तक डिडक्शन्स में कन्फ्यूजन फेस कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है और वो वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स सारी चीजें हैं मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम और कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि जो बच्चे कहीं क्लासेस नहीं जाते जो बच्चे खुद बेस पे पढ़ रहे हैं उनको भी इस वीडियोस का काफी हेल्प हो पाए आपको सिर्फ एक चीज करनी है जो मैं हमेशा कहता हूँ जितना हो सके इसको शेयर करना है आप जितना किसी की हेल्प करेंगे उतना आपकी भी हेल्प होगी और आपको भी एक चैप्टर्स जो है उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मैं प्रोवाइड करते रहूँगा एंड वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में टिल देन थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर